देख रहे हैं केवल सच। ठेकेदार मोहम्मद हैदर अली एवं ताहिर के किए गए कार्यों को लोगों ने किया सराहना। रामनगर प्रखंड अंतर्गत जोगिया पंचायत के शराहवा का है, जहां पर कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद हैदर अली एवं ताहिर के द्वारा मनरेगा योजना के तहत शराहवा से महुई को जोड़ने वाली प्रमुख सड़क का कार्य कराया गया है। हम आपको बता दें कि यह सड़क आजादी के बाद से अभी तक कच्ची थी, जिससे लोगों को किसी भी मौसम में आने जाने में बहुत कठिनाइयां होती थी। विशेषकर बरसात के मौसम में तो लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था, लेकिन जोगिया पंचायत के मुखिया अफसर इमाम एवं कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद हैदर अली के द्वारा नर्क रूपी सड़क पर पीसीसी सड़क बनाकर आम जनता को राहत दिलाया। यहाँ पे कुछ ग्रामीण यहाँ पर अभी उपलब्ध हुए हैं, उनसे हम जानेंगे इस कार्य के बारे में, जो अभी जहाँ जिस जो कार्य हुआ है इस सड़क का पीसीसी का, इसके संदर्भ में हम इन लोगों से पूछेंगे कि कैसा काम हुआ है और ठेकेदार के द्वारा जो काम हुआ है इस काम से ये लोग संतुष्ट हैं कि नहीं है। क्या नाम हुआ भैया आपका? जी अतहर हुसैन। कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं, तम कोई। कौन सा पंचायत हुआ? सलाह पंचायत में। अच्छा, अभी आप जो खड़ा हुए हैं इस रास्ते पे, इस पीसीसी पर, इसके बारे में आप बताइएगा कि यहाँ काम जो हुआ है अच्छा हुआ है कि घटिया हुआ है? ये तो काम बहुत अच्छा हुआ है, ये स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मैं रहा हूँ, सब बहुत बढ़िया हुआ है। ठेकेदार की तरफ से कोई कमी कोताही इसमें नहीं हुआ है, 2 रुपये ज्यादा ही लगा गया है। काम बेहतर हो, एरिया का काम है, बढ़िया होना चाहिए, बढ़िया बना हुआ है। काम किया है। अच्छा, इस रास्ते से कई गांव का आना जाना हुआ? अरे गांव से यहां से गोरखपुर तक लगाव है इसका। गोरखपुर तक? ये मसान नदी पुल निकलता है, मसान नदी पुल से होकर के ये रतवल पुल निकलता है, रतवल पुल से अब धाना ठकरा जहाँ चला जाइए पड़ावना गोरखपुर तक निकलता है। उत्तर भी तरफ बहुत ये एरिया है इसका, ये रास्ता बहुत बढ़िया हुआ है, बना हुआ है। पहले तो ये गड्ढा था, जंगल राज में कुछ होता नहीं था, ऐसे हम लोग निकलते थे किसी तरह, पैदल निकलना मुश्किल हो जाता था। और ये रोड जो बना है इस पे तो फ्लड फाइटिंग भी हुआ है, और सीधे ही पश्चिम की तरफ नदी है उस पे बांध लगा हुआ है, वो बांध डैमेज है, उसको टूटने से इस पे पूरा बहाव पानी का तेज चलता है रफ्तार में, और उस रफ्तार की वजह से इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। ये मतलब कि ये रोड को अच्छा बना है, बहुत बढ़िया बना है, थोड़ा भी डैमेज नहीं हुआ है कहीं पे भी, ये रोड बढ़िया है। का नाम हो? सकीमुल्ला। इस कार्य से आप खुश हैं? बहुत खुश हैं। ये ठेकेदार जो कराए हुए हैं उनसे? उनसे भी बहुत खुश हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? तमकोही के ही रहने वाले। कौन सा पंचायत हुआ आपका? सलाह बरियरवा। आपका का नाम हुआ जो? मेरा नाम हो गया मोहम्मद तैयब जी। पंचायत आपका कहाँ हुआ? ऐसे जो है पंचायत तो यही हो गया जुगिया। अच्छा, ऐसे जो है मैं रहता हूँ रामनगर में रहते हैं। अच्छा, ये जो काम हुआ है ये, इसके संदर्भ में आप कुछ कहिएगा? काम तो बहुत अच्छा हुआ है। काम अच्छा हुआ है? बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, इसके पहले मैंने जो रास्ता थी और आज के वर्तमान के समय में 1.5 फीट जो है अप डाउन जो है ऐसा जो है टूटा फूटा हुआ था। जी जी। हाँ, आने जाने में इतना परेशानी था पहले। हाँ, और आज के डेट में अच्छे है? आज के डेट में बहुत अच्छा है। चाचा नाम कहाँ पड़ी अपने के? अबुल देवान। कहाँ पंचायत पड़ी अपने के? कौन सा पंचायत? सलाह पंचायत में बनी हुआ। अच्छा, ये जो काम भइल बा एकरा बारे में बता सकते नहीं? हाँ, बहुत अच्छा काम भइल बा, जाए के रास्ता ना रहलो। पहले रास्ता ना रहे, ये भी काम करो बा? बहुत अच्छा। अच्छा काम करो बा। का नाम पड़ी अपने का? समीउल्ला। कौन सा पंचायत बनी? जोगिया पंचायत के। अच्छा, रास्ता के बारे में बता सकते अपने के? पहले तो रास्ता बहुत कठिन था। अच्छा, डांड डांड भर कठल था, रास्ता बंद हो जाता था। आज जब भी पानी के बहाव कितने बार आया तभी भी रोड का कोई टच मस नहीं हुआ, डैमेज नहीं हुआ। वो तो जोगिया का अफसर माम जिला अध्यक्ष हैं, मुखिया संघ का अध्यक्ष, जोगिया पंचायत के मुखिया अफसर इमाम हैं जी। जी जी, उनके द्वारा ये बना है। जी जी, वो बहुत कोशिश करके रोड निकलवाए, इस पर बहुत कठिन हुआ था, रोड निकालने नहीं लोग दे रहा था, वो बहुत मुश्किल से रोड निकला। आ रोड बहुत अच्छा बना है, हम लोगों का डेली का रास्ता यही है। अच्छा, ठेकेदार आप ही हैं का? हाँ। अच्छा,
क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद हैदर अली। अच्छा हैदर जी, किस योजना से बनाए हुए है? ये है मनरेगा के तहत, मनरेगा के तहत बना हुआ है। अच्छा यहाँ पे काम कराने में कोई कठिनाई हुआ क्या आपको? गांव में तो बहुत कठिनाई हुआ, बट गांव के तरफ से गांव के लोग हमेशा गाली गलौज, धमकी देना, रंगदारी, बहुत सारा कठिनाई का सामना करना पड़ा। फिर मैं इसको बनाया, रोड भी का बोर्ड भी बहुत सारा जो है ना, मेरा बोर्ड भी डैमेज कर दिया, ट्रैक्टर को पहिया को फाड़ दिया, चौकी था बाढ़ में उसको वो लोग फेंक दिए, बेड शीट था उसको, बेड वगैरह था सबको पानी में, मतलब जितना वो लोगों से हो सका उतना वो लोग अपना पूरा, वो आपको क्षति पहुंचाया? क्षति पहुंचाया, जबकि लास्ट में पीछे में देखे वहाँ पानी का सबसे ज्यादा प्रेशर था उस बोर्ड पे, उसको कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि नजर के सामने था, सब लोग देखते, ये सब अंधेरा में था, इसको सब वो लोग तोड़ के ध्वस्त कर, जैसे भी हमको वो लोग मतलब डैमेज कर रहे थे, क्षति पहुंचा रहे थे, आज भी वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कितना वो अपना ताकत जो है पूरा झोंक रहे हैं कि जैसे तो वो मतलब बदनाम हमको किया जा रहा है मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के थ्रू, मतलब हर तरह का जो प्रोपेगेंडा वो लोग अपना रहे हैं मुझे बर्बाद करने के लिए, जैसे भी रोड पर आ जाए ठेकेदार, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो पहले कभी भी गांव में नहीं रहा, मैं तो बाहर रहता था अपना, बट आया मैं, अब ये लिए हुए थे जो बोले कि साथ में हम लोग करेंगे, गांव का रोड है, कोई करने को तैयार नहीं है, तो हम लोग सोचे कितने दिन से कीचड़ में आदमी चल रहा है, चलिए एक मौका मिला है सेवा करने का, आदमी गांव का रोड है, सेवा करेगा आदमी, गांव का रोड बन जाएगा। उसके बाद से पहले तो सब लोग, जब हम काम शुरू किए तो सब लोगों को लगा कि रंगदारी मांगना, ये वो बहुत सारा चीज़ हुआ है, इसमें केस सब हुआ है, यहाँ पे पहले भी ठेकेदार काम किए हैं इधर, उन लोगों से भी ये लोग लिए हैं, बट वो लोग बाहर के थे, वो लोग अच्छा ये मान लीजिए कि यहाँ के कुछ लोगों के द्वारा ऐसे किया गया, तो वो अपने अपने पदाधिकारी को कंप्लेंट किए कि नहीं किए जाए? नहीं, उनको उन लोगों को हम बताए, हमेशा वो लोग आते, जब वो लोग आते थे तो उस बीच ये लोग मौजूद यहाँ नहीं रहते थे, जब वो लोग चले जाते थे फिर ये लोग आते थे, उस टाइम आके परेशान करना, वीडियो बनाना, कहाँ कहाँ का वीडियो फालतू सोशल मीडिया पर डालना और मेरे इज्जत के साथ खेलना कि ऐसा है ये क्रिमिनल, आपको लग रहा है मैं कभी घर ही नहीं रहा, मैं बाहर रहता था, मैं 10 साल 9 साल बाहर में रहा, अभी मैं जस्ट आया इसको, तो मुझे ये मिला तो फिर मैं सोचा कि इसको कर दूँ, ये सब मुझे बीस धमकी देना, बहुत सारी चीज़ें मेरे ऊपर हुआ है साजिश के तहत।